बिकॉज दिस इज इज शॉर्ट फिल्म फर्स्ट टाइम और ऊपर से सौरभ वर्मा ने डायरेक्ट किया हु इज वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी गर्ल इन रेड व्हिच इज अ सस्पेंस थ्रिलर सो या आई एम वेरी एक्साइटेड एंड विश हिम ऑल द लक एंड कंग्रेचुलेशंस टू नंदिश एंड विश हिम मेनी मोर सक्सेस एंड मेनी मोर फिल्म्स इन लाइफ पंद्रह मिनट में आजकल शॉर्ट फिल्म्स की बहुत ज़्यादा क्रेज़ है शॉर्ट फिल्म्स एंड वेब सीरीज़ की और 15 मिनट में वो पूरा स्टोरी पोर्ट्रे कर देते हैं सो डेफिनेटली लोग दो घंटा बैठ के जो मूवी देखते हैं वो 15 मिनट में अगर आप बहुत अच्छी तरह से पोर्ट्रे कर सकते हैं विच इज़ द बेस्ट पार्ट सो आई एम एक्साइटेड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि 15 मिनट में वो पूरी कहानी कैसे पोर्ट्रे कर रही है तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो पूरा सस्पेंस एकदम से खुलेगा आई वुड लव टू इंशाल्लाह आई डेफिनेटली होप कि ऐसा कुछ हो बिकॉज आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ द शॉर्ट फिल्म्स डेफिनेटली इंशाल्लाह आई होप वही उनका सवाल था सो डेफिनेटली आई होप आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ शॉर्ट फिल्म्स थैंक यू यार हाँ नहीं मैं क्वेश्चन सुन लूँ फिर आप हाँ जी हाँ जी नहीं क्वेश्चन नहीं सुनाई नहीं हाँ यार लेडी नेट ऑब्वियसली एक्साइटेड हूँ सौरभ की फिल्म है सौरभ के साथ मेरी पहली फिल्म रही है मिकी वायरस सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट और जहाँ तक थ्रिलर्स की बात है आई फील सौरभ सर की बड़ी कमाल की पकड़ है थ्रिलर्स में और अभी तक तो जो मैंने ट्रेलर देखा था बड़ा इंटरेस्टिंग था सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म यार बड़ा एक्साइटेड हूँ मुझे थ्रिलर्स बहुत पसंद है देखनी भी और उनमें एक्ट करना भी सो बस देखते हैं अभी कितना मज़ा आने वाला क्यों नहीं यार बिल्कुल देखो आई थिंक फिल्म तो फिल्म होती है क्या शॉर्ट फिल्म और क्या दो घंटे की फिल्म आई थिंक इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट अगर आप 15 मिनट में भी किसी को एंटरटेन कर सकते हैं आई थिंक बहुत अच्छी बात है और आजकल तो शॉर्ट फिल्म बहुत अच्छी अच्छी बन रही है सो लेट्स होप एक शॉर्ट फिल्म भी मिले यार फिलहाल तो झलक दिखला जाए इज ऑन और उसके अलावा कुछ अवार्ड नाइट्स हैं और उसके अलावा एक फिल्म अभी रैप करी है उसका नाम है बाबा ब्लैक शीप तो बस उसकी पोस्ट प्रोडक्शन डबिंग वगैरह स्टार्ट है सो लेट्स सी कवर यार नेक्स्ट ईयर आनी चाहिए अभी डेट तो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर जानते हैं थैंक्स सर हाँ जी मुझे लगता है कि जो इसलिए शॉर्ट फिल्म बनाई है इट्स एक्सट्रीमली ब्रेव अटेम्प्ट और मैं भी आपके साथ देखूंगा लेकिन ये जो डिजिटल फॉर्मेट जो अभी खुला है इट जस्ट इनकरेजेस न्यू टैलेंट एंड ओपन माइंडेड सिनेमा विच इज़ एक्सट्रीमली ब्रेव और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा लोग ये करें क्योंकि इससे जो जैसे कि मेरे बच्चे जो है वो आजकल टीवी या फिल्में मतलब थिएटर में बहुत कम देखते हैं दे आर एक्सेसिबल टू द फोन स्मार्टफोन एंड नाउ यू गेट ब्यूटिफुल फोन सो एवरीथिंग इज ऑन डिजिटल आई थिंक दिस इज अ न्यू वर्ल्ड एंड दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ सिनेमा यू नो ये हमारे साथ वर्कआउट करते हैं तो इन्होंने मुझे जिम में टीजर दिखाया था ट्रेलर दिखाया था और आज हम सब फिल्म देखने वाले हैं आई थिंक इट्स एवरीवन इज डन इट्स जस्ट कमेंडेबल एंड आई फील दैट द मोर ऑफ द शॉर्ट फिल्म्स आर मेड इट जस्ट इनकरेज फिल्म मेकर्स टू मेक बेटर एंड ब्रेवर सिनेमा You know, I would love to, but it's something that you have to think out of the box. And as producers, as commercial Hindi film producers, we've been tuned, you know, for theater audience. And so I just feel that
But now when I keep on watching short films and Netflix and all these digital channels, it'll take me some time to enter that kind of space because I'm not mentally tuned for that. But I surely appreciate that kind of cinema, and I hope one day that someone from my office or myself can enter that kind of space. But if you want me to repeat it, I'll repeat it again. Yeah, that is true. I mean, the kind of hard work that Salman Bhai put in, and this is mashallah, this is why where he is. As Abbas Bhai said, that when the time is right, you should exploit that kind of time and propel yourself. I don't think I did justice to the chance I had got. And but today we're at it, and as producers, as technicians, we are probably in the running. But yeah, as an actor, the way the kind of effort that Salman Bhai put in and the fire that he had in him, I think that we were a little loose on that. अगर मैं शॉर्ट फिल्म के एरिया में घुसूंगा भी तो मैं चाहूँगा कि एज अ फैमिली बिकॉज हम लोग सोशली रेलिवेंट शॉर्ट फिल्म बनाएं. आई नो अ लॉट ऑफ शॉर्ट फिल्म्स आर मेड फॉर इम्पैक्ट, आर मेड फॉर इफेक्ट. आई वुड लाइक टू डू द सेम, बट फिल्म्स आर वेरी सोशली रेलिवेंट. वो यशराज का प्रोजेक्ट है, उसका प्रोजेक्ट है यशराज का. हाँ, I've been working on. नहीं, स्क्रिप्ट इज बीन ऑन और सीजी की फिल्म है. उसमें कोई ऐसी फिल्म है जिसमें प्री प्रोडक्शन का काम ज़्यादा है पोस्ट प्रोडक्शन से. बट वेरी वेल प्लान, मतलब उसमें काम चल रहा है. इंशाल्लाह मेन नेक्स्ट ईयर स्क्रिप्ट कम्प्लीट हो जाएगी, उसका जो स्टोरी बोर्ड है वो कम्प्लीट हो जाएगा. और आई थिंक बाई द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर और अर्ली 2018 स्टार्ट. शॉर्ट फिल्म्स एक एडवांटेज आपके पास ये होता है कि यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनी काइंड ऑफ स्टार. ओके, यू कैन एक्चुअली वर्क विद रियल एक्टर्स एंड रियल लुकिंग कैरेक्टर्स. और जो मैंने इनका ट्रेलर देखा है, यू नो द गुड थिंग इज दैट देयर इज नो फियर कि आप कोई एस्टैब्लिश्ड या कोई सेलेबल एक्टर आपको लेके काम करना पड़ेगा. आप एक्चुअली बिंदास जो आपके मन में है, जो आपकी सोच है, जो आपके वो कैरेक्टर आपके दिमाग में है, आप किसी को भी ले सकते हैं. ये देख कहाँ से निकला है. हाँ जी, हाय. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. अब मैं नंदिश को एक्चुअली BCL में मिली थी. मैं हम दोनों सेम टीम में अहमदाबाद एक्सप्रेस. सो उसके बाद हमारी फ्रेंडशिप हुई. हम सब बहुत मज़ा आया क्रिकेट खेल के. और वहाँ से यू नो मैं फॉलो कर रही थी कि वो एक्चुअली उनका कर रही है, क्योंकि हम म्यूज़िक से हैं एंड दिस द फर्स्ट टाइम आई वाज हैंगिंग आउट विद अ टीवी स्टार. सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दिस. एंड आगे भी नंदिश बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा है एंड द होल टीम इज डूइंग अ ग्रेट जॉब. सो excited Nandish, thank you. अभी जनवरी में गाना मैं निकाल रही हूँ लहरा तिरंगा. इट्स फॉर द सोल्जर्स हू पास्ड अवे ऑन 26/11 एंड देश के लिए कुछ करना चाहिए. सो हमने लिखा हुआ था तो मैं वेट कर रही थी कि मैं कब निकालूँ. सो पहले हमने चैरिटी के साथ भी ट्राई किया था. सो अब मैं खुद ही निकाल रही हूँ बिकॉज उसका जो जितना भी मैं सेल्स होंगी उसमें से मैं एटलीस्ट 50% अगर किसी की जैसे किसी की विडो है और उनके हस्बैंड अगर आदमी सोशल वुमन है
सो इट्स लाइक हेल्पिंग समवन आउट. अगर बहुत सेल अच्छी होती है तो हम काफ़ी लोगों की हेल्प करेंगे, और अगर सेल थोड़ी सी भी होती है, एक भी हम सोल्जर की फैमिली की हेल्प होती है तो अच्छा. सो अब जो चीज बता रही थी फुल लहरा तिरंगा इस कमी जा रहा है. थैंक यू. बाकी सब चीज साइड में, लोग जो भी सोचे मेरे बारे में, मैं जितना और जिस पल को जीता हूँ उसके बिना वो सिर्फ मुझे मालूम, और ना ही मैं किसी को बताना चाहता हूँ और ना ही बताना चाहता हूँ. ये बहुत एक अपना वाला चीज़ है, और ये अपने में रहे तो अच्छा है. एक बात है, उसके नाम को कभी इस दुनिया से ख़त्म नहीं होने, इस बात का वादा है सबसे. नहीं, आप लोगों को वो सब आधा अधूरा चीज़ मालूम है. कभी आइए, हम आपको चार्जशीट दिखाते हैं. मुझे आप लोगों के सामने मीडिया में आके कोई फालतू बात करना ही नहीं था, ना एक मनगढ़ंत कहानी बनाना था. आज सब जगह से मैं निकल इसीलिए रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं गलत नहीं हूँ. पब्लिक क्या सोचता है, उसे क्या दिखाया जाता है, लेकिन जो एक्चुअल फैक्ट होता है वो सामने जब आता है तब सच्चाई का मालूम. लेकिन अभी भी अरे वो नाराज रहने दो, हम उनसे नाराज हैं. हमने कभी बोला? आपने कभी पढ़ा कि क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है? क्या किसी के पास इतना टाइम है जिसकी बच्ची मर गई जाके मीडिया में बात करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे? किसी को हकीकत मालूम है? वो नाराज है तो मैं क्या करूँ? वो पहले बार में जाके क्यों नहीं बोलेगी राहुल ने ऐसा किया है? अरे बाद में सब मालूम पड़ता है. सुनिए, हटाइए. कानून तो सबके लिए एक है, मेरे लिए, एक मिनिस्टर के लिए, या एक किसी बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स के लिए. कौन बचा है? बड़े से बड़े लोग अंदर गए. अगर मैंने 1% भी गलत किया होता, आप लोगों ने इतना हाइप किया था इस मैटर को, नहीं मीडिया ने किया था, उन लोगों ने जो बोला, आपको लगता कि कहीं इतना सा भी मेरा गलती होता? कौन दोस्त? कौन दोस्त जो उसके जन्मदिन में नहीं आए भाई? वो दोस्त जो उसके जन्मदिन, जो दोस्त उसके जन्मदिन में नहीं आए उसका बात मान रहे हो? हॉस्पिटल में जो दोस्त मौजूद, हॉस्पिटल में तो आप ही आओगे क्योंकि आपको मालूम है आपके बोलने. हर एक लम्हा. अच्छा राहुल, कभी
एक ऐसा कमी है ना, इसे कोई नहीं पढ़ सकता। वो कमी रह गया, वो शक्ल मुझे दोबारा नहीं दिखेगा, वो हंसी मुझे दोबारा नहीं दिखेगा। मैं मानता हूँ ना, जब आपकी ज़िंदगी में कुछ होता है ना, जब पहली बार किसी को चीज़ बोलना चाहते हो, वो इंसान आपकी ज़िंदगी का सबसे खास इंसान है। मेरे ज़िंदगी में पहला इंसान नहीं आया, शायद ज़िंदगी चलेगी, चलना है तो चलेगी, उसे कोई नहीं रोकेगा। दिन भी आएगा, रात भी आएगा, चांद टूटेगा, सूरज टूटेगा, लेकिन वो बीती हुई वो जो पल है ना, वो वापस नहीं है। और मैं उसमें जी रहा हूँ, मान लिया हूँ नहीं है, पर है, इतनी कमी है। वो मेरा सपोर्ट करेगी। कौन दोस्त यार, कौन दोस्त, कौन दोस्त? कॉन्ट्रोवर्सी पढ़ा था आपने, काव्या पंजाबी का, शरद पटेल प्रत्युषा बैनर्जी, काव्या पंजाबी, वो दोस्त? अरे जाने दीजिए ये सब बातें, आने दीजिए, थोड़ा सा हो गया, अभी बहुत दिन हो गया। सच को सामने आने दीजिए और फैक्ट को सामने आने दीजिए, है ना। खैर, ये गर्ल इन रेड रॉक्स बहुत आगे होता रहे और आगे बढ़ता रहे और तरक्की होते रहे, इंडस्ट्री बढ़ते रहे यार, इतना ही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू।